मेरी एक दोस्त है उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले दूर से बात बहुत अच्छा लगता है अपने पे जब अगर बात आ जाए तो उसका असर समझ में आने लगता है आप मुझे बताइए जो महिलाएं ये कह रही थी कि ब्रिजभूषण जी ने कुछ नहीं किया रह पाएंगी ब्रिजभूषण के साथ जीवन बिता पाएंगी उसके साथ हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है जो अधिकार हमको एक एक करके बिना लड़े मिल गए इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला आंदोलन नहीं हुआ जब संविधान लिखा जा रहा था तो वोट का अधिकार दे दिया गया इस देश में संविधान सभा में पंद्रह महिलाएं शामिल होंगी इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ महात्मा गांधी ने अपने इनिशिएटिव से उस वक्त जो है हमारा अखिल भारतीय महिला संघ नहीं था महिला कांग्रेस नहीं था उस वक्त लेकिन गांधी जी ने महिलाओं को घर से निकाल करके अपने आंदोलन में शामिल कराया और आप जानते हैं शराबबंदी के खिलाफ जो पिकेटिंग का आंदोलन होता था वो पूर्ण रूप से महिलाओं का आंदोलन था महिलाएं जाती थीं और शराब की दुकानों को बंद कराती थी महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लेकर के आए ये एक प्रोग्रेसिव सोच थी प्रोग्रेसिव सोच के चलते संविधान सभा का ऐसे निर्माण हुआ जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया और यह प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी थी कि अमेरिका में आज तक अमेरिका कहता है ना कि हम दुनिया का सबसे मॉडर्न देश है मॉडर्निटी का ठेकेदार है अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है और हमारे यहां महिला राष्ट्रपति बनी और उसी आधार पर भाजपा को कहने का यह हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं बोलिए लेकिन प्रश्न ये है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है तो मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने अपने मुंह पे क्यों चुप्पी साध रखी है